देखिए मैंने इसमें कार्ड जो है लगा दिया है, और इसमें जो ये बटन पीछे को है ये मैंने आगे को करना है, और इसके साथ ही देखिए प्रेस में जो है मैंने सिलेक्शन कर दी है, और मैंने इस तरह से सेंटर का बटन ले लिया है, और मैंने ये दूसरा धागा मैंने कहीं भी बीच में इसे एडजस्टमेंट कर लेना है मैंने, और इसके साथ ही अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये मेरी सुइयाँ ऐसे की ऐसे ही रहेगी, और ये बॉर्डर का स्टेप बन रहा है हमारे तरह से। देखिए ये मेरा पहला स्टेप था, तो पहला स्टेप पे मेरा ये वाला है, मेरा ये वाला देखिए, ये वाला मेरा है। ये बॉर्डर में लगा सकते हैं आप, तो चाहो तो आप बैक साइड में भी पीछे पूरा लगा सकते हो, और पूरा का पूरा इस तरह भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ स्टॉप कर दिया है, क्योंकि मैं इसमें कैप फ्रॉक टैप जो है वो बना रही है, एक जैकेट बना रही हूँ, तो मैंने इसे फिलहाल यहीं पे स्टॉप कर लिया है। देखिए इस तरह से बॉर्डर इतना अच्छा बन गया था। अब मैं सेकंड स्टेप बता रही हूँ आपको। देखिए जो मेरा बटन आगे की ओर था, अब मैंने जो बीच में ला लिया ये, इसको मैंने अब क्या करना है, मैंने अब मैंने यहाँ पर देखिए सिलेक्शन कर दी है अगेन। अब मेरा ये कार्ड जो है कंटिन्यू चलता रहेगा, ये मेरा मिनी वाला जो छोटा रहता है। मैंने 1 से स्टार्ट किया था, मैं जो है 60-70 के करीब आ गई हूँ। अब मैंने क्या करना है, तीसरे डिजाइन बनाने के लिए मैंने जो इसके लिए आगे करना है, और मैंने इसमें जो काउंटिंग करनी है 1 एंड 2, इस तरह से 1 एंड 2 के बाद फिर पीछे को जाना है, अगेन 1 एंड 2, और आगे पीछे इस तरह करते हुए ये डिजाइन जो हमारा जो है थर्ड है जो बड़ा डिजाइन को करता है, इसलिए मैं आगे कर रही हूँ। देखिए मैंने जो है यहाँ पर मैंने पहले आपको ये बताया था बॉर्डर का, सेकंड ये जो है देखिए छोटा ही रहता है, और जो मैंने बिग किया हुआ है ये देखिए, मैंने 2 सिलाई के बाद आगे पीछे ये बिग डिज़ाइन आ गया, ये थर्ड स्टेप है मेरा, ये बड़ा डिज़ाइन बन के आ गया है। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू।